अलग तेलंगाना संबंधी बिल को खारिज करने के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के प्रस्ताव पर हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। कई मंत्रियों ने किया मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का विरोध। 2G स्पेक्ट्रम मामले में मंत्री समूह ने GSM मोबाइल संचालकों के लिए स्पेक्ट्रम की फीस 5% की निर्धारित। एयरटेल और वोडाफोन को मिलेगा फैसले का लाभ। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हटाने की मांग को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में भाजपा के 32 विधायक दिल्ली सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी के निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने किया अपना धरना खत्म। कहा दिल्ली सरकार अगले 10 दिनों में वायदे पूरे करे वरना उनके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा उड़ीसा के 2 मजदूरों के हाथ काटे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को जारी किया नोटिस। RBI की मौद्रिक समीक्षा से पहले शेयर बाजार में गिरावट का रुख। सेंसेक्स 426 अंकों की गिरावट के साथ 20,707 पर हुआ बंद। निफ्टी में 131 अंकों की कमी 6,136 पर हुआ बंद। जिनेवा में चल रही सीरिया शांति वार्ता में आया सकारात्मक नतीजा। असद सरकार ने हिंसाग्रस्त होम शहर से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने पर जताई सहमति। ललित मोदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को होगी अगली सुनवाई। अदालत में आज खुलनी थी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव के नतीजों की सील। मोदी ने लड़ा है RCA अध्यक्ष पद का चुनाव।